नमस्कार, मैं हूं कविता। अविश्वास प्रस्ताव लाकर टीडीपी जहां मोदी सरकार की खामियों को उजागर करना चाहती थी, लेकिन उनके इन कोशिशों पर पीएम मोदी की सेना ने पानी फेर दिया। सदन में न सिर्फ मोदी सरकार ने वोटिंग में तिहाई का आंकड़ा पार किया, बल्कि अपने करारे जवाबों से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। लेकिन इस बीच तीन सांसद ऐसे थे जिन्होंने पीएम मोदी के साथ विश्वासघात किया। देखिए ये रिपोर्ट। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी बीजेपी के साथ अपना नाता तो पहले ही तोड़ चुकी थी, लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी सरकार को एक और झटका दे दिया, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूरी भी दे दी और सरकार भी इस पर वोटिंग कराने के लिए तैयार हो गई। तमाम आरोप प्रत्यारोप और भारी हंगामे के बीच वोटिंग हुई, जिसमें 325 वोटों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गई। तो वहीं सरकार के खिलाफ 126 वोट पड़े, लेकिन आंकड़ों पर जाएं तो मोदी सरकार के पास 328 सांसदों का आंकड़ा था, जिसमें से उन्हें तीन सांसदों के वोट नहीं मिले। यानी कि एन वक्त पर तीन सांसदों ने पीएम मोदी को धोखा दे दिया। लेकिन जिन सांसदों ने मोदी सरकार के पक्ष में अपने वोट डाले, उसमें बीजेपी के 271 सांसद, एआईडीएमके के 37 सांसद, एलजेपी के 6 सांसद, अकाली दल के 4 सांसद, जेडीयू के 2 सांसद, आरएलएसपी के 2 सांसद और अपना दल के 2 सांसद शामिल थे। तो फिलहाल जिन तीन सांसदों ने मोदी सरकार के पक्ष में वोट नहीं डाले, उनका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिरी पलों में तीन सांसद पीएम मोदी को दगा दे गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।